नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। सबसे पहले बात धार भोजशाला के विवाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिका। बता दें, हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम आदेश वापस लेने की मांग की है। कोर्ट से 1 अप्रैल के आदेश को वापस लेने की मांग की गई है। बता दें, मस्जिद कमेटी गई थी सुप्रीम कोर्ट और ASI जांच पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी और याचिका भी लगाई है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या होता है। पर आपको यह बताएं, धार भोजशाला का जो विवाद चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम आदेश वापस लेने की मांग है। कोर्ट से 1 अप्रैल के आदेश को वापस लेने की मांग की गई है। मस्जिद कमेटी गई थी सुप्रीम कोर्ट, ASI जांच पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी और उसके बाद अब हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, धार भोजशाला का विवाद चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका अब हिंदू पक्ष की ओर से लगाई गई है, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए, साफ तौर से हिंदू पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और इस याचिका में सीधे तौर पर यह मांग की गई है कि जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के बाद अगली सुनवाई के लिए अंतरिम रोक लगा रखा है, उस पूरे फिलहाल रोक को अब सुप्रीम कोर्ट वेकेट करे, यानी कि उसको हटाए। क्योंकि आपको बता दें कि जब भोजशाला के मामले में, सर्वे के मामले में आदेश दिया गया था तो मस्जिद कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी और सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए ये कहा था कि ASI के सर्वे पर हम रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन ASI के सर्वे के बाद इस पूरे मामले में जो भी फाइनल आउटकम होगा वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद होगा। तो इसी पूरे आदेश के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट हिंदू पक्षकार पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि 2047 पेज की ASI की रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल कर दी गई है और जो ASI के सर्वे में तमाम चीजें सामने निकल कर आई हैं, जो ये प्रमाण व्यक्त करती हैं कि वहां पर पहले ही भोजशाला था, मां सरस्वती का मंदिर था और जिस तरह की वहां की दीवारों पर तमाम देवी देवताओं की आकृतियों को पाया गया है साइंटिफिक सर्वे के आधार पर, ऐसे में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वहां पर भोजशाला नहीं था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले में जो उसने रोक के आदेश दिए थे उस रोक को हटाए और हाईकोर्ट इस मामले में आगे सुनवाई जारी रखे। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है, जो बैठक लंबे वक्त से चल रही थी अब खत्म हो चुकी है। विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर मंथन हुआ है, विपक्ष के सवालों का जवाब देने पर भी चर्चा हुई है। सीएम साई की अध्यक्षता में बैठक हुई, संगठन महामंत्री पवन साई भी मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी शामिल रहे। लगाने के लिए तो उन्हीं विषयों पर वापस नजर जाती है जो पिछले 5 साल कांग्रेस का भ्रष्टाचार था। पिछले 6 महीने में अगर कांग्रेस देखना चाहे जो विपक्षी भूमिका में है, तो मुझे लगता है कि उनको महतारी वंदन देखना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास जो 18 लाख आवास जो बचे थे उनको देखना चाहिए, जो धान का जो बोनस समय पे मिला है बिना मांगे किसानों को वो उनको देखना चाहिए। लगातार जिस तरीके से विकास के काम जो पिछले 5 साल में रुके, अभी 6 महीने में जो वापस से फ्लोर पे है, मुझे लगता है कांग्रेस को उस पर एक नजर डालनी चाहिए। विपक्षी भूमिका देखते हैं सदन में कितना वो कर पाते हैं। इस बार की जो स्थिति है उसमें लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, राजधानी रायपुर की स्थिति आप देख लीजिए, तमाम दूसरे जिलों की स्थिति देखिए, जिस स्थिति में बिल्कुल तमाम मुद्दे हैं विपक्ष के बाद और ये माना जा रहा है कि हंगामा जरूर होगा, सदन चल पाएगा क्या? देखिए, जहाँ तक रहा सदन के चलने का सवाल, सदन में जो विषय आते हैं क्षेत्र से संबंधित, जनता से संबंधित, उनके विकास के मुद्दों पे चर्चा होती है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष ये मन बना चुका है कि चाहे लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा के सदन की बात करें, अगर विषय नहीं चलने देने हैं तो उनको, तो फिर वो सभी को अधिकार है अपनी बातों को रखने का। लेकिन जहां तक रहा इसका सवाल कानून व्यवस्था का, लगातार आप स्वयं और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, बैठक हुई है बेहद ही महत्वपूर्ण, इस बैठक को कहा जा सकता है क्योंकि विधायक दल की यह बैठक हुई, मॉनसून सत्र को लेकर मंथन हुआ, साथ ही साथ विपक्ष की तैयार है कई सारे मुद्दों को लेकर के, विपक्ष को किस तरह से जवाब देना है, किस रणनीति के तहत आगे बढ़ना है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
जी बिल्कुल, देखिए विधायक दल की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में जो है सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक हुई, और अभी आपने सुना विधायक भावना बोरा को, उन्होंने साफ कहा है कि काफी कुछ चर्चा हुई है, मानसून सत्र को लेकर चर्चा हुई है, किस तरीके से विपक्ष को जवाब देना है, सत्ता पक्ष अपनी बातों को किस तरीके से रखेगा, कौन से मुद्दे हैं जिसको बेहतर तरीके से उठाना है, इन सभी बातों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही नए विधायकों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़े निर्देश दिए कि अपनी बातों को अच्छे से रखें। कई प्रश्न लगे हैं, 900 से ज्यादा प्रश्न जो है इस मानसून सत्र में लगे हुए हैं, तो उनका सरकार किस तरीके से पक्ष रखेगी, क्योंकि सरकार का पहला जो है वो मानसून सत्र है। ऐसे में चुनौतियां भी काफी है, कई विधेयक, अहम विधेयक है वो पारित होने हैं, कई नीतिगत फैसले होने हैं, सत्र छोटे होने की बात जो विपक्ष कह रहा था, तो इतने 22 तारीख से जो सत्र शुरू होने वाला है 26 तक चलेगा, तो इतने में सरकार जो है अपने तमाम जो काम पूरे कर लेगी, निर्णय लेगी। इस बीच में जो है विपक्ष विधानसभा घेराव की भी तैयारी कर रहा है, तो उस तक किस तरीके से निपटना है, तमाम जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर चर्चा हुई है, एक एक विधायक से 1-to-1 चर्चा हुई है, और सभी विधायक अभी चर्चा कर एक एक करके सीएम हाउस से निकल रहे हैं। अब इंतजार है मानसून सत्र का, सभी विधायक जो तैयार है, सरकार भी तैयार है कि किस तरीके से मानसून सत्र चलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए आकाश। और बिलासपुर में मलेरिया का कहर लगातार जारी है, कोटा में 3 और नए मरीज मिले हैं, जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 17 पर पहुंच चुकी है। मलेरिया से अब तक 4 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। लगातार कहर जो है मलेरिया का बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं लोग इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। अब स्वास्थ्य हमला भी सक्रिय है, साथ ही साथ कैंप भी अलग अलग जगह लगाए जा रहे हैं कि लोगों का जांच परीक्षण किया जाए और अगर जरूरत हो तो उसे अस्पताल में भी भर्ती कराया जाए। तो मलेरिया लगातार फैल रहा है और कहीं ना कहीं सता भी रहा है, मौत भी इससे लगातार हो रही है, मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, लगातार मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं ये डरा भी रहा है क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कह रहा है स्वास्थ्य विभाग, परीक्षण कर रहा है तो क्या कहना है, क्या मुख्य कारण है जो लगातार लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, अगर 2 दिनों के भीतर ही बात करें तो अब मलेरिया जो पीड़ित मरीजों की संख्या है वो 17 पहुंच गई है। 3 आज फिर नए मरीजों की जो है वो पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। सेमेचो प्रभात श्रीवास्तव से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि दूरसंचालनों में लगातार इस तरह के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं, जिसमें 54 ऐसे कोटा ब्लॉक के क्षेत्र हैं, गाँव हैं, जहाँ पर अति संवेदनशील घोषित किया गया है। इन इलाकों में लगातार मरीजों की संख्या जो है वो निकल कर सामने आ रही है। इसके साथ ही तेंगनबाड़ा, करवा और इसके अलावा बिलगहना जो सिलपहरी रेंज का जो एरिया है, वहां पर दो लोगों की कल मौत हुई थी और आज 2 बच्चों की फिर इस मलेरिया से मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं जो मलेरिया है वो पूरी तरीके से भयावह होते जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग जरूर ये बात कर रहा है कि ग्राउंड जीरो पर वो पहुंचकर कैंप लगा रहा है, मरीजों को दवा बांट रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई इस पर लगातार सवाल उठ रहा है। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी इस पूरे मामले को सत्वर संज्ञान लिया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि किस तरीके से ये जो मामले बढ़ रहे हैं उसको रोकने के क्या उपाय जो है राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। इसको लेकर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से भी जवाब तलब किया है। फिलहाल देखना यह होगा कि प्रदेश में, न केवल बिलासपुर बल्कि पूरे प्रदेश में मलेरिया और डायरिया के जो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग पहल करता है, क्या कुछ इंतजाम कर रहा है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में मलेरिया पूरी तरीके से प्रभावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, 4 लोगों की मौत हो गई है, 17 एक्टिव मरीज हैं, 4 जो गंभीर है उनका सिम्स में इलाज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर विभाग जो है वो निश्चित रूप से सक्रिय दिखाई दे रहा है, कैंप लगा रहा है, दवाओं का वितरण कर रहा है, लेकिन आखिर ये स्थिति निर्मित क्यों हुई इस पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि हर साल इसके लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। DDT जो पाउडर है उसका छिड़काव किया जाता है, इसके अलावा मच्छरदानी का वितरण किया जाता है, फिर ऐसी क्यों नौबत ये बन रही है अति संवेदनशील जो इलाका कोटा है वहां पर लगातार क्यों मरीज आ रहे हैं, इस पर जांच का विषय। फिलहाल अभी स्थिति जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार मरीज आ रहे हैं, देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग की जो पहल है, जो लगातार कैंप कर रहा है, उससे कितना काबू कर पाता है मलेरिया को, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी पूरी तरीके से मलेरिया जो है वो बिलासपुर में डरा रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए उमेश।
बिलासपुर में मलेरिया से दो बच्चों की मौत हो गई। 6 साल और 12 साल के दोनों भाइयों की मौत हो गई। मां की भी हालत गंभीर है। मां को गंभीर हालत में सिम्स में रेफर किया गया। बेलगहना के काली माटी गांव का यह मामला है। अब तक मलेरिया के 14 मरीज सामने आ चुके हैं। सीएमएचओ डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव ने पुष्टि की है। इससे पहले टेंगनमाड़ा में मलेरिया से दो बच्चों की मौत हुई। अब तक 14 मरीज जो है मलेरिया से जांच में पाए गए हैं और जिसमें 9 लोगों को जो है ये इसकी गंभीरता को देखते हुए सिम्स रेफर कर दिया गया है। 4-5 लोग पहले से भर्ती हैं और कल भी बाकी लोगों को 5 लोगों को रेफर किया गया है। इधर बिलासपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। झोलाछाप डॉक्टरों की 2 क्लिनिक को सील कर दिया गया। कोटा ब्लॉक में एक क्लिनिक चल रहे थे। 2 दिन पहले मलेरिया से पीड़ित 2 सगे भाइयों की मौत हो गई थी। बता दें झोलाछाप डॉक्टर इनका इलाज कर रहे थे। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था जिसके बाद ये एक्शन लिया गया और तत्काल प्रभाव से इन्हें सील कर दिया गया। कोंडाघाट में 6 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 5 लाख की तेंदुआ खाल भी बरामद हुई। 2 आरोपी छत्तीसगढ़ और 4 ओडिशा के रहने वाले हैं। बताएं अमरावती वन परिक्षेत्र के मरमिंडा से इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो 6 तस्कर हैं ये जिनकी गिरफ्तारी। 5 लाख की तेंदुआ खाल भी बरामद। ये भी आपको जानकारी दे दें कि इनमें से 2 जो आरोपी हैं वो छत्तीसगढ़ के हैं और जो 4 आरोपी हैं वो ओडिशा के रहने वाले हैं। अमरावती वन परिक्षेत्र के मरमिंडा से इन सभी की गिरफ्तारी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, तस्करों की गिरफ्तारी साथ ही साथ तेंदुए की खाल भी बरामद। जी हाँ, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे वन प्राणियों की जो शिकार है उसके लिए रोक लगी हुई है और यहाँ पर कोंडागांव जो जिला है वो सरहदी उड़ीसा से लगता है तो यहाँ पर आसपास इलाके में जो तेंदुआ है वो कभी कभार दिखते हैं। अब इन तेंदुओं का शिकार करके चोरी छिपे इनका खाल को बेचने का प्रयास किया जा रहा था और वन विभाग को जिस तरीके से जानकारी मिली तो वो मुखबिर की जानकारी पर वो ग्राहक बनकर गए और वो आरोपियों को पकड़ा है जिसमें से 2 छत्तीसगढ़ के हैं और बाकी उड़ीसा के हैं। इनके खिलाफ वन्य प्राणी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। तो यह ज्यादातर जो देखने को आता है कि जो इस क्षेत्र में तेंदुआ है या जो चीता है उनका शिकार जो है पड़ोसी राज्य के लोग करते हैं और यहाँ के क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर उसकी तस्करी करते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी को साझा करने के लिए। अंबिकापुर का